ये है आपका लेवल 8 का। मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हैं, पे यूज़ करके देखते हैं हम लोग फटाफट से। ट्रेनिंग मैनुअल जॉर्मोटाइड लेवल 20 सी के। तो दो एग्ज यहाँ पे इन्हें दे दिए हैं, चलते हैं चेक करते हैं क्या क्या मिलने वाला है इनके अंदर। लेट्स गो लेट्स गो। देखो मिलेगा तो ऑब्वियसली बात जॉर्मोटाइड ही, बट कौन सा मिलेगा वो देखने वाली बात है, कौन सी एबिलिटी के साथ मिलेगा वो देखने वाली बात है। बहुत गंदी फाइट हुई है भाई, नाइटविंग आए हैं यहाँ पे। So hey, what is up guys, welcome back to a brand new gameplay video। And भाई साहब आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं यहाँ पे पैल वर्ल्ड। एंड भाई लास्ट वाले एपिसोड में तुमने देख लिया था, मैंने बहुत 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 ही ज़्यादा कम काम कर रखा था, लेकिन अब मैंने बहुत अच्छे से गेम को सीख लिया है। बहुत अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ पे काफ़ी से डिस्कवर करी हैं, बहुत सारी नई नई पैल्स मैंने यहाँ पे कैप्चर करे हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर डेविल से। आए किधर गए भाई, हाँ नीचे घूम रहे हैं भाई। मिस्टर डेविल मेरे साथ यहाँ पे खेलने वाले हैं, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे। एंड इसी के साथ इनके चैनल का लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि है डेविल्स हेवन। क्या हाल है भाई, भाई कती डेविल ही लग रही हो एकदम देखने में तो। लेट्स गो भाई, बहुत सही बहुत सही। तो यार देखो तुम सबसे पहले अपना बेस दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बन चुका है जो कि। उससे पहले कुछ पैल्स के बारे में, ये रिलैक्सोसॉरस लक्स तुम्हें पता ही होगा, ये है बैंड वर्डाश ठीक है, ये एच जीरो, ये हमारा है रेंड्रिक्स, ये हमारा है डिक टॉयज, हमारे यहाँ पे भाई रेप्टायरो क्रिस्ट, रेप्टायरो नॉर्मल। एंड हमारे पास पीछे की तरफ तुम देख पा रहे होगे यहाँ पर है एक रेग्नोहॉक, इधर है हमारे पास एक सुजाकू, ऊपर हमारी वो पेटीला लग रखी है काम वाम करने पे। भाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ चल रही है हमारी यहाँ पे ठीक है। लेकिन ये तो चलो तुम्हें पता ही होगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है पहले से। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो जॉर्मोटाइड लेवल 45 का, इसने भाई इतनी गंदी हालत करी थी, इतनी ज़्यादा गंदी, बहुत गंदा मारा था। तो अब देखो इतना तो देखो हमें नॉर्मल पता चल चुका है कि इसको हम लोग मार नहीं सकते फिलहाल इस लेवल पे, तो क्यों ना इसको हम लोग यहाँ पे ब्रीड ही कर लें। हमारे पास ब्रीडिंग फार्म है एंड उस ब्रीडिंग फार्म से हमने भाई यहाँ पे एनुबिस क्राफ्ट कर रखा है, जो कि भाई गलती से बॉस एनुबिस मिल गया था हमको, जो कि देखो बहुत अच्छी बात है। तो इस ब्रीडिंग फार्म में हम लोग सोच रहे हैं ब्रीड करने के लिए हमारे जॉर्मोटाइड को। उसके लिए हमें दो पैल्स चाहिए हैं सिंपली, जो कि है क्वेवरिन एंड एक है रिलैक्सोसॉरस। क्वेवरिन भी हमारे पास है, रिलैक्सोसॉरस भी हमारे पास है। अब हमें चाहिए क्या, केक। केक के लिए भाई कुछ अंडे चाहिए, एक बार अंडे लेकर के आते हैं फटाफट चल करके, जो कि हमें मिलेंगे किधर 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 किधर, स्मॉल सेटलमेंट पे यार ऑब्वियसली बात है। हमारे पास हनी बहुत सारा है, हमारे पास फ्लर बहुत सारा है, हमारे पास मिल्क भी बहुत सारा है, दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ एग्स की। आ चुके हैं भाई यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पे बाय करते हैं काफ़ी सारा एग, क्योंकि भाई आज तो बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो एग्स मैं क्या सोच रहा हूँ टोटल 70 एग्स बाय कर लेते हैं, एंड सर 30 मिल्क भी ले लेते हैं भाई, क्या पता मिल्क की भी कमी पड़ जाए, हम लोग को वापस आना पड़े। फॉर अ सेफर साइड मिल्क भी मैंने यहाँ पे बाय कर लिया भाई बहुत सारा। अब भाई मेरे से देखो यार लेजिट वेट नहीं हो रहा, काफ़ी तगड़े वाले हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं अपने जॉर्मोटाइड को। ओके अब फटाफट से चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने केक्स हमारे बन जाएंगे भाई, टोटल 8 केक बन सकते हैं। 4 केक इसमें लगा देते हैं हम लोग, 4 केक हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर बनने के लिए, ये लोग भाई आराम से बनाते रहेंगे। एंड एक और फन फैक्ट दिखाऊं मैं तुम्हें, बढ़िया सी चीज़, इस कूलर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 4 केक्स हैं, इनको हम लोग चलो फिलहाल तो कूलर में रहने देते हैं ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सबसे पहले तो भैया हमारी पेटीला मर गई बेकार सी, जा कर के फूट गई। अब तो मैं दिखाता हूँ मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हमारा रिलैक्सोसॉरस की तरह रिलैक्सोसॉरस ये रहा, जो कि है फेरोशियस ठीक है। एंड इसी के साथ मेल्पैक हम लोग वापस बुलाते हैं, हमारे पास है क्वेवरिन मसल हेड। तुम लोग समझ रहे हो फेरोशियस एंड मसल हेड जब आपस में मिलेंगे तो क्या ही खतरनाक चीज़ कर देंगे ये लोग। भाई मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी से लाते हैं एंड जल्दी से इनको ला करके डालते हैं सीधा ब्रीडिंग फार्म में। ये ब्रीडिंग फार्म में जा चुका है एंड ये माइनिंग करने पहुंच गए। इसकी माइनिंग लेवल कितनी है क्वेवरिन का, लेवल 2 ओके, बट हमें इसे माइनिंग नहीं करानी है, हमें इससे ब्रीडिंग करानी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप इनके केक्स डाल दो तब तक ला करके, इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। लेट्स सी कितनी देर लगने वाली है। हाँ देखो अंडे की प्रोग्रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं धीरे 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 धीरे, जैसे हम लोग इसमें केक डाल देंगे एंड जैसे सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसी के साथ हमें यहाँ पे काफ़ी सारे तो नहीं एक अंडा मिलेगा एक टाइम पे। फ्रिज में नहीं है, लेफ्ट वाले फ्रिज में होंगे। लेट्स गो ले आओ ले आओ। एंड यहाँ पे वुल हमारे पास काफ़ी सारा हो चुका है ऑलरेडी, वुल को उठा कर डालते हैं जल्दी से हमारे चेस्ट के अंदर, क्योंकि हमारे भाई क्लॉथ की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही थी, जो कि अब फिक्स हो जाएगा। ऑलराइट सो ये हमारा हो गया, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं।
एग्स वगैरह तो यार वो एग सिर्फ 7 बच रहे हैं मेरे पास। इस एग्स इन एग्स को मैं ला करके डाल देता हूँ इसमें। लेट्स गो, काफ़ी सही। इसके अंदर कब यार कूलर्स भी थोड़े खाली करने पड़ेंगे हमको। इनके अंदर काफ़ी सारा 7 हनी यहाँ पे किसने डाल दिया भाई? 13 हनी और 7 हनी भाई साहब, हाँ पर 31 हनी है टोटल। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, बहुत सही बहुत सही। तो देखो इनमें तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। देख रहे हो दो दो जॉर्मोंटाइड है हमारे पास। नहीं ये छोटे मोटे पैल पकड़ नहीं चाहिए चल के, ब्रॉन्ज चेरी लुनारेस। ओके गाइस, तो अभी काफ़ी सारा टाइम, काफ़ी तो नहीं हाँ मतलब थोड़ा टाइम तो लगने वाला है इनको यहाँ पे, इनको थोड़ा टाइम दे देते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं फटाफट से यहाँ पे कुछ बॉसेस को हराने जो कि हमारे नीचे के साइड पे हैं। लुनारेस को हराएं पहले चल के, आ जाओ पहले लुनारेस वगैरह को पकड़ते हैं हम लोग। टीफेंट्स काफ़ी सारे, आ जाओ तुम्हें तो मैं पकड़ के ले जाऊँगा। ऑलराइट सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड फटाफट से यहाँ पे जितने भी बॉसेस हैं उनको 2 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये भाई इतने ज़्यादा खतरनाक बॉसेस हैं नहीं जिनमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े अपना। सबसे पहले हमारे पास लुनारेस है यहाँ पे, बट उससे पहले नाइटविंग को पकड़ा जाए यार, काफ़ी टाइम हो गया इसको पकड़े। फटाफट से नाइटविंग पकड़ते हैं इसको, तो भाई वैन वैम हमारा एक अटैक मारेगा उसमें ही ख़त्म हो जाएगा, बट वो चीज़ नहीं चाहता मैं हो यहाँ पे। वैन वैम को अंदर बुलाते हैं, हम लोग ही पकड़ते हैं इसको यहाँ। आ जा तेरी ऐसी की तैसी, आ जा आ जा आ जा आ जा। इसको तो मैं भाई एरो से पकड़ लेंगे, इतना ज़्यादा वीक है अभी ये। स्टार्टिंग में भाई इतना ज़्यादा खतरनाक लगता था इसको, हम लोग पकड़ ही नहीं पाते थे। एंड अब देखो तुम, सारे बदले लूँगा इसे वापस। आ जाओ भाई लेट्स गो, एक बार में आ जाएगा भाई, 100% कैप्चर रेट है हमारा। ऑल राइट सो नाइटविंग हमने यहाँ पे पकड़ लिया है, अब फटाफट चलते हैं हम लोग लुनारेस के पास जो कि भाई सामने देख पा रहे होगे तुम लोग। अभी तो भाई बहुत गंदी हालत करेंगे हम लोग इसकी। मेरे पास कुछ पैल्स हैं जिनसे मैं इनको आराम से मार सकता हूँ। मैं क्या अपना हेल्साइफर लेकर के आया हूँ? लेट मी चेक। यस गाइस, हेल्साइफर हमारे पास है। ये बहुत गंदी हालत करेगा इसकी यहाँ पे। ओके तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट चलते हैं सीधा हम लोग यहाँ पे फाइट लेने के लिए। लेट्स गो, डंजन में आ चुके हैं। ये रहा लुनारेस, नकली सा पोकेमोन। छोड़ता हूँ अपने हेल्साइफर को, 2 मिनट में इसकी छुट्टी कर देगा। एंड एक शॉट देखो हमें मारना पड़ेगा ताकि ये हेल्साइफर मारे इसको जा करके। तुम लोग डैमेज देखना एक बार में, 85, 75, 84, इतना गंदा 197 का डैमेज। ओके ओके ओके, मेरे को थोड़ा बचना पड़ेगा इससे भाई, ये गंदा मार रहा है थोड़ा सा। इसको भाई यहाँ पे फायर डैमेज मिल चुका है, बहुत बढ़िया हेल्साइफर, बहुत बढ़िया हेल्साइफर की भी हेल्थ दिख रहा थोड़ी कम हो रही है यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं यार। मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे पड़ रहा है एंड इसने मेरे को मार दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी हमें बहुत ज़्यादा। बच गया भाई मैं तो। हेल्साइफर भाई पूरा ख़त्म मत कर दियो इसको, हमें इसको पकड़ना है, कैप्चर करना है भाई लुनारेस को। एंड आ जा आ जा भाई आ जा, तू मेरे को मारेगा क्या? आ जा, तेरे को तो मैं बताता हूँ। फायर डैमेज पड़ चुका है इसको यहाँ पे दोबारा से, 595 बच रही है, 580 बच रही है। आ जा मार मार मेरे को, मार तू मेरे को मार, आ जा मार, मैं भी देखता हूँ कितना मार पाएगा। मार, अबे मारना हेल्साइफर क्या कर रहा है, खड़ा खड़ा देख रहा है बेवकूफ, बड़ा पागल है भाई। मरवा देता हमको, वैन वैम मारियो इसको, एक एक डैमेज मार वैन वैम, एक डैमेज मार इसको, ख़त्म मत कर दियो भाई। तुम्हें को डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है वैन वैम ख़त्म कर सकता है यार इसको एक बार में, बस ख़त्म मत कर दियो तू। ओह ठीक है, अच्छा मार रहा है, अच्छा मार रहा है, कम हेल जा रही है, कम हेल जा रही है, वेरी गुड वेरी गुड वैन वैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे को नहीं मार पाएगा ये, मेरे को नहीं मार पाएगा ये, मेरे को मार पाएगा भाई, थोड़े हालत तो ख़राब करी है इसने, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कैप्चर करके देखते हैं इसको, मेरे को लग रहा है कैप्चर हो जाए, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, थोड़ी और हेल्थ कम हो जाए फिर हो जाएगा कैप्चर आराम से, बहुत आराम से। लेट्स गो, तू वापस आ जा भाई, अभी हालत ख़राब कर रही है मेरी, अब इसने मेरी हालत ख़राब कर दी भाई, इतना गंदा डैमेज मेरे को लेना ही नहीं था कभी भी भाई, क्या गंदा डैमेज मारा है इसने। ओके भाई मैंने कहा था यार आसान, बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। ये बॉस हमारा हो चुका है डन, अब हम लोग चलने वाले हैं भाई फटाफट से पास के दूसरे वाले बॉस में जो कि हमारी ब्रॉन्ज चेरी। आ जा ब्रॉन्ज चेरी को पकड़ते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, हमारा भाई लेवल काफ़ी ज़्यादा अप हो रहा है इससे। ऑल राइट सो गाइस, ब्रॉन्ज चेरी एको के पास हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई। इसको पकड़ने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपली अपना ब्लेज हाउल नॉक छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई यहाँ पे ये है प्रॉपर ग्राउंड तो नहीं, लीफ टाइप फॉरेस्ट टाइप तुम लोग कह सकते हो। एंड हमारा ब्लेज हाउल है प्रॉपर फायर टाइप खतरनाक लेवल पोकेमोन, एक ही डैमेज के अंदर इसकी बहुत गंदी हालत कर देगा ये। ऑल राइट ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं करी बट हाँ अच्छी खासी कर दी है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बहुत सही। ये ब्रॉन्ज चेरी एक ये बॉस टाइप है ना, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कम डैमेज है, अगर नॉर्मल होती तो एक अटैक के अंदर ख़त्म थी,
कोई बात नहीं, अब हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको आराम से बिना किसी दिक्कत के। लेट्स गो, आजा 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 आजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे पीछे पीछे आ जा, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही तो नहीं है भाई। आजा भाई, ख़त्म नहीं, ख़त्म नहीं करना था यार। इसने इतनी देर से तो ये अटैक मार नहीं रहा था, अब इसने ऐसा अटैक मार दिया, इसने ख़त्म ही कर दिया। हद ही होगी भाई, कोई बात नहीं, चलते हैं भाई बेस पे फटाफट, चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे केक्स बन गए हैं या फिर नहीं बने हैं। फटाफट से बेस पे पहुँचते हैं, बेस पे पहुँच कर तुम लोगों से मिलता हूँ, एंड देखते हैं हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। ऑलराइट सो गाइस, बेस पे तो हम लोग आ चुके हैं, बट इसी के साथ एक और चीज़ बढ़िया हुई है, जो कि रेड एंड अंडे इन लोगों को कितने दिए हैं फिलहाल के लिए, दो एग्स दे दिए फिर एक ही एग है। ओके तो दो एग्स यहाँ पे इन्हें दे दिए हैं, चलते हैं चेक करते हैं क्या क्या मिलने वाला है इनके अंदर। लेट्स गो लेट्स गो। देखो मिलेगा तो ऑब्वियसली बात जर्मन टाइडी, बट कौन सा मिलेगा वो देखने वाली बात है, कौन सी एबिलिटी के साथ मिलेगा वो देखने वाली बात है। यहाँ पे मिला है फिरोशियस मसल हेड, एंड उसके साथ एक और चीज़ है, वो है क्या है, ग्लूटन। ग्लूटन देखो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, जो हमने सोची थी चीज़ फिरोशियस एंड मसल हेड दोनों एक के अंदर मिल गई है हमें। आपको कौन सा मिला, हाँ बहुत गंदी फाइट हुई है भाई, नाइटविंग आए हैं यहाँ पे, इनकी सबकी हालत ख़राब हो जाएगी अभी दो मिनट के अंदर, सबकी सब खत्म है, ये खत्म भाई, खत्म कर दी, हालत ख़राब कर दी इनकी, तो हालत ही ख़राब कर दी भाई साहब, लेजिट हालत ख़राब, हाँ सब खत्म हो गए भाई ये। अच्छा दो केक्स इनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अभी और ब्रीडिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हमें और भी ब्रीड करानी चाहिए या फिर इतना ही बहुत है, फिलहाल 7 केक्स और हैं, दो और हो रहे हैं, इन दोनों को और देखते हैं, अगर उन दोनों के अंदर कुछ बढ़िया निकल गया तो वेल एंड गुड है। वैसे तो हमें बढ़िया मिल चुका है ऑलरेडी, फिरोशियस मसल, हाँ सेम मेरे को मिला है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम। इनका थोड़ा लेवल अप करके देखते हैं एक बार, देखते हैं कितना लेवल अप होगा इसका एक बार में, मैं इसको उठा करके देखता हूँ, अपने पास रखते हैं इसको। ओके सो वाटर टाइप हमारे पास इनमें से कोई सा नहीं है, तो मैं इनको किससे रिप्लेस करना चाहूँगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पे हमारे सुजाकू, हाँ ब्लेज हाउस से। लेट्स गो, मेरे को बॉस टाइप मिला है भाई, क्या आपको देख रहा हूँ, आपका नॉर्मल टाइप है बॉस टाइप है, ये बॉस टाइप का साइज़ तो नहीं है पर इनका यार, नहीं बॉस टाइप नहीं है, नॉर्मल है मेरा तो, हाँ आपका बॉस टाइप है, मेरा नॉर्मल टाइप है। ओके ओके ओके, हो रहे और हो रहे हैं, लेट्स सी एक और तो बन गया, चेक करते हैं क्या निकलता है। अब यार रात भी हो गई, सुबह उठ करके देखेंगे बाकी का, इसको चेक करते हैं इसके अंदर क्या निकला है। 1, 2 and guys 3 फिरोशियस मसल हेड, एंड एक और क्या चीज़ है, फटाफट चेक करते हैं एक और क्या चीज़ है सैडेस्ट, नहीं फिरोशियस और आर्टिसन मिला है हमें इसमें, एंड एक सैडेस्ट मिला है, क्या ये भी बॉस नहीं है, नॉर्मल है। लेट्स गो, कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट सोते हैं, सुबह देखेंगे बाकी क्या रहता है, आ जाओ भाई फटाफट सो जाओ चल के। ऑलराइट सो गाइस, सुबह यहाँ पर हो चुकी है फिलहाल, एंड अब चल करके चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे पैल्स, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, केक एक ऑलरेडी रखा हुआ है इनके पास में। लेट्स गो, एक बार अपने वाला पैल डालना आप इसमें, मैं इसके लेवल अप कर देता हूँ फटाफट से, या फिर रुको बाद में करते हैं, एक बार प्रॉपर तरीके से निकल जाए पैल्स, उसके बाद हम लोग इनका लेवल अप करेंगे। यहाँ इनको दो केक, रिलैक्सोसॉरस स्लग से वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि रिलैक्सोसॉरस स्लग आपका वो इलेक्ट्रिक टाइप हो गया, ये वाटर टाइप है, वाटर टाइप से वाटर टाइप नहीं 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 बनेगा, एक केक में कर लेंगे यूज़, दो केक से और बनने देते हैं, एक केक मैंने वापस निकाल लिया, उस एक केक से हम लोग वो ट्राई कर लेंगे जो आप कह रहे हो। ऑलराइट सो गाइस, देखते हैं फटाफट से यहाँ पे कितने एग्स हो चुके हैं, एक एग इन्होंने और दे दिया, इस पर हम लोग चेक करते हैं, एक और आने वाला है बस थोड़ी सी देर में, इसके अंदर भाई बढ़िया मिल जाए, मज़ा आ जाएगा लेजिट, एंड लेट्स गो। 1, 2 एंड यहाँ पर 3 फिरोशियस मसल हेड एंड ग्लूटन, सेम ही मिला है भाई ये भी हमको, एकदम सेम, नो प्रॉब्लम। फिरोशियस मसल हेड आया है, बॉस नहीं आया, ये भी नॉर्मल है, एक और आने वाला है, देखते हैं उसके अंदर क्या निकलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग हैच करेंगे, मैं अभी ना ऑफलाइन बैठ करके हम इनको ग्राइंड करेंगे, काफ़ी सारे नए नए रिलैक्सोसॉरस पकड़ेंगे, एंड एक दो क्विवरिन पकड़ेंगे नए नए, उसके अंदर हमें अच्छी एबिलिटी मिलती है, देन फिर हम लोग इनको और भी बढ़िया वो कराएंगे। एंड फिलहाल वीडियो खत्म होने से पहले एक बार रिलैक्सोसॉरस लक्स और एक क्विवरिन, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे करा के देखेंगे इनके अंदर क्या मिलेगा हमको। एग उठा लिया आपने अभी, एग इन्हें दे दिया होगा, एग नहीं दिया अभी तक, खत्म होने वाला था, चेक करो एक बार। ओके कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर और लगेगी, जैसे एग कंप्लीट होता है फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को आगे फटाफट। ऑलराइट सो गाइस, एक एग और अपना यहाँ पे फिनिश हो चुका है, लेट्स सी फटाफट से इसके अंदर क्या निकलने वाला है। लेट्स गो भाई, उतर क्यों नहीं रहा है, डिस्माउंट क्यों नहीं हो रहा है इस पे से। ओके नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं फटाफट से इसके अंदर क्या है। आ जाओ जी यार, इसके अंदर कुछ लास्ट एग है, इसके अंदर कुछ बढ़िया सा निकल जाए, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। 1, 2 and 3 सो फिरोशियस है साथ में, और क्या 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 है, फिरोशियस है, मसल हेड एंड ग्लूटन है,
यार ये बॉस पैल्स नहीं निकल रहे यार यहाँ पे। एक बार अपना वाला पैल डालना इसमें ला करके पैलेट बेस पे। यार यहाँ पे कहीं रिलैक्सोसॉरस का बॉस नहीं है क्या? खाली रिलैक्सोसॉरस का बॉस। रिलैक्सोसॉरस लक्स का तो बॉस है, लेकिन रिलैक्सोसॉरस बॉस भी होना चाहिए था, फिर ज़्यादा मज़ा आता। आ जाओ इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एंड अब इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलेगा इन दोनों से। यस सर, उसमें डाल दो एक। हाँ मैं वही बात चेक करना है उसके अंदर क्या निकलने वाला है। ओके आ गया मैं। डेड है ये? डेड कैसे हो गया जी? जिंदा हो गया ये? हाँ तो गया, पर जिंदा हो गया ये? ये है आपका लेवल 8 का। मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हैं, इन पर यूज़ करके देखते हैं हम लोग फटाफट से। ट्रेनिंग मैनुअल जॉर्मोटाइड लेवल 20 सीधा। वॉट, लेवल 20 हो गया जॉर्मोटाइड? पीछे देखो। चलो जी थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये लो आपका जॉर्मोटाइड, इस पर रख दिया मैंने। इसका देखना है भाई इसके अंदर कुछ निकलता है। वो जॉर्मोटाइड ले लो अपना, बेस पे छोड़ दिया मैंने। इसके अंदर कुछ निकल जाए बढ़िया सा मज़ा आ जाएगा। मेरे पास ये बढ़िया ट्रेनिंग मैनुअल एक, इनका देखने का बात रहेगी, मज़ा आएगा इनके में कुछ। इनके में सोचो अगर रिलैक्सोस रेप्टायरोज रेप्टायरोज ओ भाई साहब, 100 पत्थर में लोग रखे हैं, 100 पत्थर एक साइड, 250 पत्थर एक साइड। गाइस तुम्हें एक चीज़ और दिखाते हैं फटाफट से, यहाँ पे ये देखो भाई 614 पैल्डियम फ्रेगमेंट्स एंड इतने सारे स्टोन्स यहाँ पे ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। यह मेरे को पता क्या लग रहा है, यहाँ पे इस गेम में कोई जॉर्मोटाइड लक्स करके भी है कुछ? अगर जॉर्मोटाइड लक्स हुआ गेम के अंदर तो मेरे को लग रहा है वो निकल सकता है यहाँ पे। देखते हैं क्या निकलेगा भाई, मज़ा आ जाएगा। कोई ना, वेट करते थोड़ा सा, जैसे गाइस जैसे ही चीज़ कंप्लीट होती है ना वैसे ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या निकलने वाला है, फिर तुम्हें दिखाते हैं। कुछ बढ़िया निकलेगा ना तो तब तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। ऑल राइट सो गाइस, इनने भी यहाँ पे एग दे दिया है भाई, ये एग भी ह्यूज ड्रैगन एग है भाई। अब तो कुछ बढ़िया निकल सकता है, देखो ह्यूज ड्रैगन एग है तो फिर तो कुछ तो बढ़िया निकल सकती है चीज़ जल्दी से। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 1, 2 एंड 3 जॉर्मोटाइड ही निकला है भाई, नॉर्मल जॉर्मोटाइड निकला है। पैसिफिस्ट नॉर्मल निकला है, अटैक -20 डैमेज वगैरह बढ़िया सब कुछ काफ़ी सही। ऑल राइट सो गाइस, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आज की इस वाली वीडियो को लेते हैं रखते हैं हमने भाई यहाँ पे जॉर्मोटाइड को ट्रीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में जॉर्मोटाइड को हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे फायर वाली जगह पे, फाइट्स वगैरह कराएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ लोगों से और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।